ये इनके इनकी बहन थी, मासी की लड़की थी, मासी की नेहा, मामे की लड़की। वो दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए थे, उनको पेट में क्या था, रसौली थी, पेट में रसौली थी उनको। और प्रार्थना किया, ठीक हो गया, बिल्कुल रसौली खत्म हो गई। तो वो बोल रहे थे डॉक्टर के बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, लेकिन वो वैसे ही बिना निकाले ठीक हो गई, है ना, बच्चेदानी भी सेफ हो गई। अद्भुत काम किया परमेश्वर ने, लेकिन प्रभु को ग्रहण नहीं किया। अगले दिन दिख रहे हैं स्टेटस पे, दिख रहे हैं जी गोइंग टू वैष्णो देवी, गोइंग टू चिंतपूर्णी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बथेरे ऐसे। कुछ दिन बाद समस्या फिर से बढ़ी, पेट में फिर से दर्द शुरू हो गया। रात को 1:30 बजे फोन किया, 1:30 बजे तकलीफ होती, 1:30-2 बजे रात प्रार्थना कर दो जी। मैंने कहा ठीक है, प्रार्थना कर दिया, फिर ठीक हो गया, आराम मिला, फिर प्रभु को ग्रहण नहीं किया। फिर ऐसे ही कितनी बार मुझे रातों को 1:30-2:30 बजे इन्होंने उठाया ताकि मेरे लिए प्रार्थना की जाए और मुझे शिफा मिले। और मैंने प्रार्थना की, वो ठीक हो जाते थे। एक दिन उन्होंने घर पे बुला लिया, मैं घर पे आकर देखो क्या चीज है, क्यों ऐसे हो रहा। उनके घर पर गया और प्रार्थना किया, फिर बहन को आराम मिला। उन्होंने मेरे हाथ में कुछ ऑफरिंग रखा, उन्होंने मैंने ले लिया, प्रार्थना कर दिया। कई बार हम इसलिए ले लेते हैं ना कि अन्य जाति है, नया नया विश्वास में विचार ना करे कि हम पास्टर लोग ऐसा एटीट्यूड क्यों रखते हैं, कर ले लिया, प्रार्थना किया। प्रार्थना करते 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 आई सॉ अ फेस, जैसे कोई मेरे तरफ बड़ा गुस्से के साथ देख रहा है, बड़े क्रोध के साथ कोई मेरी तरफ देख रहा है, और जैसे कोई मुझसे कह रहा हो इसे छोड़। आई रिलीज्ड, मैंने हाथ छोड़ा, मैंने कहा ये आप अपने पास रखो। कितने हैं हम में से जो ऐसा कर सकते हैं, हालेलुया, हां जी, परमेश्वर के दास ऐसे ही करते हैं। परमेश्वर, हम पिछले दिनों में चर्चा की उधर चंडीगढ़ में भी, कि सैमुअल क्या कहता है प्रजा से, कहता बता दो अगर मैंने किसी का कुछ लिया है तो मैं उसको लौटा दूंगा, है जी। क्योंकि देखो यहोवा पहले जीवन ग्रहण करता है, अगर जीवन ग्रहण योग्य नहीं है तो वो पैसा सिर्फ पास्टर की जेब में जाएगा, यहोवा की उपस्थिति में नहीं जाएगा वो, समझ रहे हैं आप। उधर क्या लिखा है, उसने कायन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया, हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। पहले कायन, फिर कायन की भेंट, पहले हाबिल, फिर हाबिल की भेंट। भेंट से पहले वो जीवन चाहता है, इसीलिए बोलता है, कहता तुमको याद आए कोई नाराज है और तुम भेंट परमेश्वर के सामने लेकर आओ, कहता वेदी पर छोड़ दो और वापस जाओ, पहले मेल मिलाप करके आओ, पहले जीवन सुधार के आओ, पहले नम्र दीन होकर आओ, फिर आकर भेंट चढ़ाना। हमारा गीत गाना, आराधना करना, स्तुति गान गाना, आज आपको क्या दिख रहा है, वर्शिपर गीत गाता है और लोग ऐसे नोट घुमाकर आपके ऊपर फेंक रहे हैं, ये कोई कंजर खाना नहीं है, ये परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति है। इधर आप वर्शिप कर रहे हैं तो जीवते परमेश्वर का सिंहासन लगा रहे हैं, समझ में आया। ये शादियों में होता है, वो भी अन्य जातियों के अंदर, नाचने वाली नाचती हैं, उनके ऊपर नोट फेंके जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में ये काम नहीं होते। कौन है इन मार्गों को सीधा करने वाला, कौन उठ के खड़ा होगा कि वो आवाज उठाए कि ये गलत है, ये आप गलत कर रहे हैं, आपने तमाशा बनाया हुआ है। प्रभु के सेवकों को अपनी जरूरत के लिए प्रभु के ऊपर निर्भर होना, किसी मनुष्य के आगे हाथ नहीं फैलाने। हालेलुया। उस दिन बात कर रहे थे कि जो मांगता है, जिसे मांगने की आवश्यकता पड़ रही है, वो प्रभु का दास नहीं है, पहचान ही यही है प्रभु के दास। प्रभु का दास कभी भी आपको मांगता हुआ नहीं दिखेगा, ये वचन की लिखत है। दाऊद कहता मैं बच्चा था, मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने धर्मी को त्यागा हुआ और टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा है। हालेलुया। कौन मांगता है टुकड़े, एली का खानदान मांगता है, जो यहोवा की हजूरी से निकाले गए, उनको मांगने की आवश्यकता पड़ती है, हमें मांगने की आवश्यकता नहीं। हमारा इंतजाम सेनाओं का यहोवा करता है, यहोवा यिरे जिसके पहाड़ पर उपाय होता है। हालेलुया। याजक जो है दाम ले लेकर जो है व्यवस्था बताते हैं, नबी भी दाम ले लेकर प्रोफेसी करते हैं। वही वचन है, वही वचन है, आगे पढ़िए उसको। मीका, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते, उसके प्रधान जो है घूस ले लेकर विचार करते हैं, और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, याजक दाम ले लेकर व्यवस्था बताते हैं, और भविष्यवक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं। हाँ, भविष्यवक्ता रुपए के लिए क्या कहते हैं, भावी कहते हैं। इधर आओ, ये सेक्शन जो है ये मेंबर्स का सेक्शन है, मेंबरशिप लो तब फिर मैं मेंबर्स के लिए प्रोफेसी करता हूँ। दाम ले लेकर क्या किया जाता है, व्यवस्था व्यवस्था बताई जाती है।